पिछले वीडियो में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ताल्लुक से हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, यूनानी एस्पेक्ट क्या है, उसमें थोड़ा सा और वजाहत करना चाह रहा हूँ इस पार्ट टू में सीवीएस के ताल्लुक से। जैसे हमने बताया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर दो एस्पेक्ट है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कैफियत के एस्पेक्ट और साख के एस्पेक्ट। और जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जो साख के इश्यूज है, उसमें कुछ बातें ऐसी आपको कॉमन मिलेंगी बाई इतिबार मिजाज के इतिबार से। नंबर वन आपको बताया कि हाइपरटेंशन हमेशा बलगमी और दम्मी मिजाज में ज्यादा पाया जाता है। सेरिब्रल हिमरेज सबसे ज्यादा सफरावी और सौदावी में, उसकी वजह दोनों में खुश्की है, उसकी हमेशा तफरुक तोड़ने की अमल करता है। एनूरिज्म सबसे ज्यादा दम्मी और बलगमी में होते हैं। और वेरिकोस, जो भी वेरिकोस जिसको होता है, जिसके अंदर वेरिकोस का भी सबसे ज्यादा दम्मी और बलगमी में होते हैं, दोनों में रुतुबत की गलबा है। और कुछ वेरिकोस फटने की सलाहियत रखते हैं, सबका वेरिकोस नहीं फट के खून नहीं आता। और सफरावी को अगर वेरिकोस हो गए तो रप्चर होने का चांसेस ज्यादा, दम्बी और बलगमी को कितने भी बड़ा साइज रहे दो उसके अंदर रप्चर नहीं होते और ब्लीडिंग भी नहीं होती। और ताफुन सबसे ज्यादा, अगर वेरिकोस को भी ताफुन के तौर पे दम्बी और बलगमी में वेरिकोस अल्सर क्रॉनिसिटी इख्तियार कर लेते, रुतुबत की ऐसी कि हमेशा सूखता नहीं, वो जल्दी वो हील नहीं होता। तो जब आप इलाज करते दवा के इतबार से, यानी कि इस पहलू को, कौन सी पहलू को, कल्ब की क्वांटिटेटिव पहलू को, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हार है क्या बारी देखे, वो हिसाब से दवा को भी दो में तकसीम करो। तो ज्यादातर आप देखते होंगे जो खमीरा जात है, खमीरा जात ज्यादातर खमीरा जात गर्म है, कुछ खमीरा ठंडा है, जैसे खमीरा मरवारी सर्द खुश्क है, और मरजान मरवरी लुलू वगैरह सर्द खुश्क है। कभी कभी खमीरा जो महंगा है, लेकिन खमीरे से सबसे सस्ता जैसे अभी काम करते जवारी शाही है, गरम जो इश्यूज के अंदर, गरम अमराजे में कल्ब के अंदर शाही काफी हद तक काम करता है। तो यहां फाइनल डिसाइड ये करना है कि अगर साथ में या क्वांटिटेटिव इश्यू है हार्ट के अंदर या हार्ट की वेसल्स के अंदर, वो दोनों को अलायदा करके उस हिसाब से दवा, और गरम दवा जहां इस्तेमाल करना चाहिए वही दवा, गरम दवा उसको इस्तेमाल करना चाहिए हर जगह पे। अब हमको ये देखना है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, मैंने जो बताया कि मुफरियात के अंदर भी जो फरहत देने वाली, जो तकवीत देने वाली दवा में भी गरम भी है ठंडा भी है। जैसे खस है, ठंडा मानते हैं उसको खस को, गुलाब है ठंडा मानते हैं, जबकि वो हार कैफियत को कम करने के लिए अर्क गुलाब है, अर्क केवड़ा जैसी चीज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ चीज गर्मी की वजह से तकलीफ, ठंडी की वजह से तकलीफ होते हैं, वो तकलीफ के लिए हम गर्म दवा इस्तेमाल करते, जैसे अर्क अंबर है, अर्क अंबर की जितनी भी अर्कियत है, अंबर गर्म है तो ठंडे जगह पे, जैसे ब्रेडी कार्ड या ठंडे जगह पे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी कॉमन चीज जो अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते भी और हम, लेकिन वो जानता नहीं, मिसाल के तौर पे जो मरजान जो है, लुलू और मरजान, लुलू से मतलब मोती, सूरह रहमान में खास उसका जिक्र है, हमने नियमतों में शुमार किया गया, अल्लाह ताला ने बता रहे इसको। कभी सोचे कि हमने मरजान का क्या नियमत है, उससे क्या फायदा है? तीन वजैतून, जैतून को समझ में आया, खाता खा सकते हैं, बेच सकते हैं, अंजीर को समझ में आया, शहद को समझ में आया, अनार को, सब सबने समझे, लेकिन मरजान से क्या संबंध है जो आप इंसानों के लिए नियमतों के नियमतों करके शुमार, मतलब नियमतों में शुमार किया, जबकि ना वो खा सकते, वो कॉरल्स जिसको कहते उतना महंगा भी नहीं सोने के, इसे बेच के आदमी खा सके या कोई उसकी परिवार संभाल सके, फिर क्या है? अगर आप उसकी साख में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे उसमें कुछ, अगर उसकी क्वालिटी के तरफ जाएंगे तो ये खास तौर पे मरजान और लुलू कल्ब के लिए खास तौर पे फायदेमंद है।
लुलू को ठंडा माना गया, यानी कि उसका मिजाज को चांद से मुशाबियत है लुलू, जिसे मेहताबी और आफ्ताबी बनाते गुलकम को कल्ब के लिए, जो गुलकंद आफ्ताबी जो सूरज की रोशनी में बनाते हैं और गुलकंद मेहताबी जो चांद की रोशनी में रखते, बारी दे गरम, ये दोनों की जो इंडिकेशन इस्तेमाल करने इंडिकेशन मुख्तलिफ जगह पे। तो जो मरजान जो है बेसिकली जल्दी इजीली डाइजेस्ट और खून में मिलने वाली एक कैल्शियम में से कैल्शियम है मरजान के अंदर जो पाए जाते हैं लुलू के अंदर। और आप उसकी गौर करके देखो, ये जो कैल्शियम, ये जो मरजान की बात कर रहे हैं, लुलू की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे जो नॉर्मल कैल्शियम नहीं, जो हम सीप से बनता है जिसको चूना कहते हैं, जो आजकल हम शेलकैल है कैल्शियम सैंडो से जितने कैल्शियम के नाम से हम 500-500 मिलीग्राम खाता है, वो सब पक्का चूना है, वो एब्सॉर्ब नहीं होते, वो वाटर इनसॉल्युबल भी है। लेकिन जो मरजान है और कुछ जगह पे मरजान और लुलू को ये इसकी कुश्ते की शक्ल में इस्तेमाल करते, कुछ जगह पे अर्क के गुलाब में लुलू को मोती को सह के बलीग जो इंतहाई किस्म की करल करके भी मुकव्य कल के तौर पर इस्तेमाल करते। लेकिन वहां भी याद रखना मिजाज के अतबार सर्द खुश्क हो, इसीलिए कैल्शियम को क्यों शुमार किए, तो कार्डियक मसल्स के लिए वो अच्छा है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है कैल्शियम, इम्यूनिटी बूस्टर है कैल्शियम, हड्डी के लिए अच्छा है, दांत के लिए अच्छा है, मतलब बहुत जगह पे कैल्शियम, जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं फिजियोलॉजी एक्सट्रीम जुजुई तौर पे हम जाता है, तो जो सेल के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जो कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर रहा है, हार्ट जो ये मसल जो है सॉफ्ट मसल कार्डियक मसल या अपनी जो वॉलंटरी मसल की सब एक्टिन मायोसिन सब कैल्शियम से मुतासर होता है, तो कैल्शियम की इतनी अहमियत है, इससे अल्लाह ताला ने इसको खासतौर से एक नियमतों में शुमार किया गया। सो ये कैल्शियम कुदरती तौर पे कैल्शियम पाए जाते, कभी कभी हम जो कुश्ते बैजे मुर्ग जो अंडे की जो छिलका है उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है, वो भी एक हद तक एब्जॉर्ब होता है। और दूसरी जो है जो जड़ी बूटी जिसके अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम पाए जाते हैं वो कौन सी है, वो है अर्जुन। अर्जुन छाल जो है बेसिकली तमाम आयुर्वेदिक की और यूनानी की जो मुकव्य कल्प दवा में अर्जुन का छाल रहते, जैसे कि यूनानी में तमाम मुकव्य और रहम की दवा में अशोक छाल रहते, वैसे कार्डिया की कोई भी डिजीज के अंदर अर्जुन छाल रहते। बहुत सारे हकीम लोग हैं, बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट यूनानी कार्डियोलॉजिस्ट बना, कैसे मालूम कोई कंपनी की खमीरा ऑपरेशन मक्की मर्शद वाला लेके आएंगे, उसके अंदर 100 ग्राम अर्जुन चाल की पाउडर डाल के मजीद थोड़ा सा शहद डाल के इसको मरीज को देते, 5,000-10,000 को, पेशेंट को भी अच्छा लगता है कि खमीरा मरवरी से कैल्शियम का भी सप्लाई मिल रहा है उसकी हार्ट बीट में भी। और कभी कभी क्या होता है कि वसवसी हालत में भी, जैसे साइकोसोमैटिक डिस्पिनिया जिसको कहते हैं, ऐसे करके जो सांस अटक गया, सांस नहीं मिल रहा है, पैल्पिटेशन है, हर चेकअप किया, ECG चेक किया, सब कुछ नॉर्मल, फिर भी नॉर्मल थे, तो डॉक्टर क्या कहते हैं इसको, साइकोसोमैटिक डिस्पिनिया। वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ में हार्ट के ऊपर लोड पड़ते हैं, वो एक्चुअली जिस्मानी नहीं है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जवारी शाही है, शरबत अहमद शाही है, मरजान वगैरह दे देते हैं इसके अंदर, यानी एक वसवसी टाइप का ही बीमारी का उसके अंदर। तो वसवास को भी कभी कभी दिल से जोड़ सकते दिमाग से ज्यादा, क्योंकि वसवसी बीमारी के अंदर नफसियाती तौर पर उसको हिप्नोटिक ड्रग देते, लेकिन बेसिकली उसमें मुफरियात की जरूरत पड़ती है, ज्यादातर वसवासी अहमास उसमें ज्यादातर कल मुतासर होता है। तो बहरहाल बेसिकली इसको क्लासीफाई करो, पहले ये क्लासिफिकेशन करो कौन सी बीमारी है, फिर किससे मुतासर हुआ है, उसमें फाइल क्या है, उससे मफूल क्या है, और हिसाब से दवा को मॉडिफाई करो। और हम ये समझते हैं कि यूनानी में जितने भी कार्डियक की दवा बहुत महंगा है, लेकिन अब सस्ते से सस्ता दवा से भी आप कार्डियक का इलाज कर सकते हैं, जैसे मशरूब आमला है, शरबत आमला है, जवारी शाही है, जवारी आमला सादा है, जवारी लुलुई है, ये हब्बे मरवारी दे कुस्ता मरजान जहर वाले, ये सब सस्ता दवा है, महंगा है तो अब जौहर है गर्म उसको जोर मोरा सस्ता है दवाई में इस मुतदिल जहर वाले, ये सब महंगे महंगे दवा है। तो कोई भी हालत में अगर कोई मरीज अगर बहुत ही गरीब भी हो, जब मामला हार्ट का आ जाता है तो बेच बाज के दोबारा बस खमीरा की मकसद वाले ही खाएंगे
वो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे डॉक्टर मुझे शायद, क्योंकि हार्ट का मामला है टपकने वाला है, इस लिहाज से उसी को तरजीह देते हैं। बहरहाल कार्डियोलॉजी के लिए भी है, तमाम सिस्टम के जैसे कार्डियोलॉजी में भी आपको एक जबरदस्त कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं यूनानी की, अगर आप सबसे अव्वल नंबर में हिम्मत चाहिए, डेयरिंग चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट बनने की, क्योंकि पेशेंट अटैक आके बोल के डायलॉग मार के तीन अटैक आ चुके, अटैक की दवा बंद कर सकते क्या, दवा चालू करके ये सवाल पूछते तुम डर जाएंगे। तो कार्डियोलॉजिस्ट अगर बनना है, सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट हर चीज में तुम्हारे अंदर डेयरिंग होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, तब कार्डियोलॉजिस्ट बनना। फिर पेशेंट को इवैल्यूएट करो, पेशेंट को बोलो मौत का इलाज मेरे पास नहीं, कार्डियोलॉजी की पेशेंट का काउंसलिंग कैसे करो, मौत का इलाज मेरे पास नहीं है, तो पेशेंट खुद तुमको सपोर्ट करें, डॉक्टर को तो कोई नहीं कर सकता, तो छोड़ो मौत को, अभी बचा क्या है, तुम्हारी कैफियत, तुम्हारा कैफियत बयान करो, कैफियत नहीं रहेंगे उनके पास, सिर्फ डर और वह मैं कार्डियक पेशेंट, उसके अलावा क्या है कार्डियोलॉजी में, बाकी मैंने जो बताया वो सब चीज उसके हिसाब से मिजाज के अतबार से इलाज कर सकते। और रहा सवाल मुफरियात का, मुफरियात में भी दोनों है, बारिश भी है सर्द भी है, और वो हिसाब से उसको इलाज करो। और ज्यादातर देखते हैं कि शिन्न नमू में, शिन्न शबाब में, ये दोनों में ये पेशेंट नहीं आते, ज्यादातर 40 के बाद में, क्योंकि इसमें एक सेकेट्री का भी दखल रहते, एक नफ्सियाती का भी दखल रहते, और बॉडी के अंदर बरूदत और रुतुबत का जमा होना, रुतुबत जमा होने से हार्ट के ऊपर लोड पड़ते हैं, पैल्पिटेशन हो जाते हैं, और कभी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी चेस्ट के पास भी जाते, उसको मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या चीज है। तो इससे ये साबित हुआ कि ज्यादातर केसेस आप देखने को मिलते कि 40 के अबो कार्डियक डिजीज की पेशेंट, कोई बच्चे अगर समझो बाई बर्थ कंजेनेटल डिफॉर्मिटी के अलावा कोई बच्चा कार्डियक डिजीज लेके तुम्हारे पास नहीं आता, कोई जवान जो उनके अंदर भी ये जो कंजेनेटल बाद में मालूम पड़ा उसके अलावा कोई डिजीज बोल के आ नहीं, 40 के बाद में प्रॉब्लम होता है। और ज्यादातर जो कार्डियक ब्लॉकेज की जो बात कर रहे हैं वो भी ज्यादातर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं, अगर सब जो आपको अचानक दर्द हो गया तो बोलते डॉक्टर साहब ने चेक किया एंजियोग्राम किया बोले ब्लॉकेज है, अगर आज आपको दर्द हुआ है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज एक दिन में ब्लॉक नहीं होता, एक मुसलसल मतलब उस एक जमाने से वो धीरे धीरे एथरोस्क्लेरोसिस जो भी हो वो डिपॉजिट होकर ब्लॉक बनते, एक दिन में नहीं, पेशेंट एक दिन में अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया, कल नहीं था परसों नहीं था, दर्द भी तो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ना, तो दर्द और ब्लॉकेज से कोई कनेक्शन नहीं। पेन ऑन एग्जर्शन, चलने से मुझे तकलीफ हो रहा है, रुकने से मेरा तकलीफ दूर हो रहा है, दैट इज अ टिपिकल कार्डियक पेन। लेकिन ज्यादातर क्या होता है डॉक्टर, रात में मुझे अचानक मैं लेटे थे अचानक दर्द आ गया, लेके गया और पता चला मेरा हार्ट में ब्लॉक, ये ज्यादातर यही देता है। पेन ऑन एग्जर्शन बहुत कम देता है, दैट इज अ रियल कार्डियक इस्चीमिक पेन, उसमें ज्यादातर मुफ्तिहात इस्तेमाल करने की कोशिश करो, मुफ्तिहात का मतलब फतह खोलने वाली, उसमें सबसे बेहतरीन दवा है तिंकार, रब्बे तिंकार, क्यों आपको किताब में नहीं मिलेंगे तिंगार ब्लॉकेज को दूर करते, तिंगार को सुहागा कहते हैं, सोने पे सुहागा, सुहागा क्या है, एक नमक है, सोने को पिघलाने के लिए डालता है वो। अब तिंकार का अफाल खवास क्या पढ़े हमने, सुहागा का मुनफिस है बलगम, मुदिर बॉल और कासिर रिया, ऐसा कुछ लफ्ज पढ़े, ये मुनफिस है बलगम भी है मुलैन भी है, और हमारे कुलियात नफीसी में और कुलियात में लिखा है कि बल चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल को, पतली चर्बी को बलगमियत से मुशाबियत किया गया, यानी खून के अंदर गिलजत भी बलगम से बढ़ता है, ये बलगम नहीं नाक से जुड़ने वाले, हमने जो पढ़ते थे बलगम के बारे में, बलगम का एक काम है खून की गिलजत को मेंटेन रखना, सफरा क्या करते हैं, खून की गिलजत को पतला करता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी में बलगमियत बढ़ने से भी ये जो इस्चीमिक डिजीजेस का चांसेस रहता है उसको भी तो मद्देनजर ये रखना चाहिए कि इनके अंदर मैं बलगमी अमराज की उसूल इलाज करता हूं। और आप आजकल जो नुस्खा जो बहुत ही आम है, जो नुस्खे अरेबिया बोल के जो तिब्बु नबवी में, जिसके अंदर देसी सिरका है और उसके अंदर लहसुन है, अदरक है वगैरह, उसके अंदर मिक्स करके
उसके पीछे एक 80% साइकोलॉजी है। क्यों? ज्यादातर जो पेट की जो शिकायत है, पेट के अगर आपको अंदर कोई नफखे शिकम हो या पेट में कोई खलल हो चुका है, तमाम पेट की शिकायत की अलामत सीने में ही आती है। जबकि आपको अगर एपीडी भी हो गया, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो गया, गैस्ट्राइटिस भी हो गया, आपको सीना जलता है, आपको गैस भी हो गया तो आपका सीना पकड़ता है। तो अगर आपकी मैदे की इस्लाह हुआ बराबर, तो उसमें 80-70% हार्ट की जो पेशेंट की जो वहम है, चेस्ट पेन खत्म हो जाता है। इसीलिए जो नुस्खे अरेबिया ज्यादातर लोग में काम करते हैं, अभी चेस्ट पेन गया, उनका तो वहम क्या था, चेस्ट पेन जाना, उसको दिल से कुछ लेना देना ही नहीं, उसको किसी ने बताया चेस्ट पेन, उसको चेस्ट पेन गया तो मुतमईन नहीं, तो वो दवा इसीलिए वो आमन हो चुकी। दूसरी चीज जो अभी उसके अंदर जो लहसुन है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कहीं पढ़ा होगा तुमने या हमने, जंजबील है वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सिरका है वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये एक अलग एक वहम है उसके अंदर, उससे भी मैं मतलब जी मेरा जान बचा के रख सकता हूँ। तो जहां ये चीज आ रहा है उसको ध्यान रखो। अभ्यत इंकार एक बेहतरीन चीज है मुफ्तीत यानी खास तौर से शुद्ध खोलने के लिए, इंकार अच्छी काम करता है, अजरा की कार्डियक ब्लॉकेज में काम करता, आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि ये गर्म दवा है। जंजबील, माजून जंजबील है, जवारी जंजबील, ये भी हद तक पेट को भी सही करेंगे, कार्डियक की सर्कुलेशन को भी दूर करेंगे। तो जहां सुद्धे को खोलने की खासियत जो है जिस दवा में, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि हर जगह पे हम एक सरसरी तौर पे मुकव्य कल्ब या मुफरी कल्ब के इस्तेमाल से कोई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इलाज नहीं कर सकते। उसकी तह तक जाओ, तह तक जाने का मतलब उसके साथ में मिजाज के इतिबार से काम उसका इश्यू हो गया, उधर से दवा स्टार्ट करो, तो इजीली आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट भी आज तक किसी की लाइफ स्पैन नहीं बढ़ाया, किसी की क्वालिटी भी नहीं बढ़ाया, क्वालिटी खराब कर दी। इसका मतलब तुम लोग या हम लोग सब दुनिया का टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते। थैंक यू।